नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। भराइच अलग अलग सड़क हादसों में 3 की मौत और 3 घायल होने की खबर सामने आई है। बता दें कि बाइक को बचाने के चक्कर में ट्रक से पिकअप टकरा गया। हादसे में गिलोला निवासी 45 वर्षीय हेल्पर त्रिलोकी की मौत हो गई, जबकि चालक घायल हो गया। वही केसरगंज हुजूरपुर मार्ग पर भी भीषण हादसा हुआ है। बाइक सवार पिता पुत्र को चार पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें चिक्कीपुरा निवासी बाइक चालक, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है, उसकी मौत हो गई है। वहीं घायल पिता का इलाज जो है वो मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इसके साथ ही बाइक सवार पति पत्नी को भी स्कूली बस ने टक्कर मार दी, जिसमें पत्नी की मौत हो गई है और पति का इलाज चल रहा है। हमारा अभी मर गया था। कहाँ के रहने वाले? ब्रह्मपुर कालका सिंह। मृतक का कौन है आपकी? हमारी बहू है। क्या नाम? हमारे भाई की बहू है। मतलब क्या नाम था? ममता। क्या उम्र थी? 21 वर्ष। मौत कैसे हुई इनकी? कहाँ जाए थे ये लोग? बिस्मा दवाई लेने के लिए गए थे, वहाँ से घर वापस आ रहे थे। उसके बाद में गुरुआ गांव के पास में प्राइमरी विद्यालय के सामने स्कूली बस में जोरदार ओवरटेकिंग में टक्कर मारी और वहीं पर मतलब गंभीर रूप से दोनों घायल हो गए। और जबकि उनको वहां से 100 नंबर लगाया गया, उसके बाद में CSC रेवसा लाया गया, वहां से रेफर कर दिया गया इन दोनों को। मतलब पत्नी ममता, पत्नी पिंकू, दोनों को रेफर कर दिया गया भराइच जिला अस्पताल के लिए। वहाँ भराइच जिला अस्पताल आने के बाद ये लोग मतलब सीरियस थे, इनकी इलाज भी हुआ। इलाज के दौरान ममता पत्नी पिंकू की मौत हो गई। शादी इनकी हुई थी 12 जुलाई को और उसके बाद ये दुर्घटना। वही उत्तर प्रदेश के चंदौली में अराजक तत्वों ने अंबेडकर जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया, जिसके बाद प्रतिमा खंडित किए जाने से ग्रामीण आक्रोशित नजर आए और मौके पर महिलाओं समेत सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने धरना दे दिया। ग्रामीणों ने दोषियों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। जलंधर खखना, क्या घटना हुई? घटना यही हुआ है कि बाबा साहब का प्रतिमा को तोड़ा गया है। ये फर्स्ट बार नहीं है, ये सेकेंड बार है। फर्स्ट बार में जो कि प्रशासन यहाँ आया, सबको जो कि प्रोत्साहित किया कि जो कि बाबा साहब की मूर्ति जो हाथ टूटा हुआ था उसका जो कि काम करवाया गया। प्रशासन लोग बोले कि यहाँ CCTV कैमरा लगाया जाएगा, इसको अंडरग्राउंड किया जाएगा, यहाँ ट्रांसफार्मर की व्यवस्था लाइट का किया जाएगा और जो कि यहाँ के काम करवा के यहाँ से लोग गए और कुछ हुआ नहीं है। पहली बार कब तोड़ा गया था? लोकसभा चुनाव से 4-5 दिन पहले का बात है। थाने पे तहरीर दी गई थी? सब दिया गया था यहाँ, जो कि CO साहब भी आए थे, पुलिस लोग भी आए थे। गाजियाबाद में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम दिख रही है। पुलिस के बड़े अधिकारी बंगले से बाहर नहीं निकलते और अपराधी पुलिस को हर मोर्चे पर चुनौती देते हैं। पुलिस बेबस और लाचार नजर आती है। बीते शाम हुई इस वारदात ने ये बात एक बार फिर साबित कर दी है। गाजियाबाद में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। कल छीना के 50 वर्षीय व्यक्ति को गोली से भून दिया गया, जबकि मृतक के पुत्र को भी गोली लगी है, जिसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। ये मामला ऐसे था, पिछले साल जो झगड़ा हुआ था वैसे ही लोग घर पे आके चढ़ाई की थी हमारे, उसमें आके हमारे जो SO साहब थे उस टाइम, उन्होंने रुपए लेके हम पे उल्टा मुकदमा उल्टा दायर किया, हमारे घर पर आके चढ़ाई की थी उन्होंने। उसके बाद में मुकदमा पे हो गया, कोई बात नहीं, हमने कोर्ट से मुकदमा किया। ऐसे चलता रहा, चल रहा है कोई नहीं। अब आज क्या हुआ है, शाम के टाइम डेली के 2 बार घर जा रहे थे 6:30 बजे। मेरा छोटा भाई और पिताजी अब मोड़ या फाटकों पर, इन्होंने मास्क मेरे छोटे भाई को गोली हाथ पे लगी। जैसे वो भगा पे इनके कान पे मारी, पापा के हमारे यहाँ गलपटी पे लगी है, छाती लगी गोली है। वीर सिंह का चारों लड़के हैं, क्योंकि हम ऐसी समाज से आते थे, समाज से वे गुजर समाज से आते हैं। अगर ये मुकदमा उस टाइम ही मुकदमा उनके ऊपर दायर हो जाता, ये SO साहब उस टाइम रुपये ना ही लेते, तो आज हमारे इन लोगों को देखने नहीं पड़ता। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कल छह रहने वाले हैं। और वो जो आरोपी जिन्हें बता रहे हैं आप, ये सीखने के हैं, वीर सिंह के लड़के चारों हैं। तो अभी आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है? अभी कुछ नहीं कराया, अभी हमारा भाई दिल्ली से आ रहा है। आज शाम थाना मोदी नगर के स्थित ग्राम सीकरी कुर्ट के बाहर गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त हुई तत्काल मौके पर
थाना पुलिस एवं अन्य टीम में पहुंची। इस पे ज्ञात हुआ कि कलसीना निवासी राम कुमार, जिनकी उम्र 50 वर्ष थी, उनकी गोली लगने से मृत्यु हुई है। साथ में जो उनके पुत्र थे, उनके भी हथेली पे एक गोली लगी है, परंतु इनकी स्थिति बिल्कुल सामान्य बताई जा रही है। जो परिवारजनों तथा अन्य लोगों द्वारा बताया गया है, उसके अनुसार ग्राम सीकरीकुर्द के रहने वाले जितेंद्र तथा उसके परिवार के चार अन्य लोगों पे यह हत्या का आरोप लगाया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीमें निकाल दी गई हैं। अतिशीघ्र सभी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और इस घटना में जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। जनपद मेनपुरी के थाना क्षेत्र में तैनात लेखपाल पर एक पूर्व फौजी ने 20 लाख देकर फर्जी बेनामा कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। फौजी अपने परिजनों और ग्रामीणों के साथ हाथों में बैनर लेकर कलेक्टर पहुंचा, जहां उसने लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी को दिए गए शिकायत पत्र में पूर्व फौजी ने लेखपाल पर कार्रवाई न होने पर आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। हालांकि फौजी के साथ पहुंचे ग्रामीण और परिजनों ने लेखपाल के खिलाफ कलेक्टर परिसर पर जमकर हंगामा किया। डीएम कार्यालय आयो, आमरण अनशन का बोर्ड लेके आयो, काफी लोग हैं आपके साथ, क्या कारण है? ये कारण है सर, 15/2/2024 को अनिल कुमार राजपूत नामक लेखपाल ने फर्जी बैनामा कराया। उसमें 19,25,000 रुपये रजिस्ट्री प्रांगण करैल में प्राप्त किए और 75,000 रुपये फोन पे पर डलवाए, और वो बाद में जब कराने गए तहसील में आए म्यूटेशन कराने के लिए तो फर्जी निकल। अभी देखिए, कुछ ग्रामवासी आए थे जो इस लेखपाल के विषय में आरोप लगा रहे थे फर्जी बैनामे को लेकर के। मैंने SDM करहल को इस विषय में तत्काल बात किया है और इसमें हम लोगों ने जांच के आदेश किए हैं। इसमें 2 से 3 दिनों के अंदर ही सारे तथ्य प्रकाश में आएंगे और इसके विरुद्ध जैसा जांच की रिपोर्ट आएगी सख्त कार्रवाई की। मिर्जापुर में आपदा प्रबंधन का मॉक ड्रिल कार्यक्रम विधानचल में किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मिर्जापुर के ADM ने बताया कि मिर्जापुर बाढ़ की दृष्टि से एक संवेदनशील जनपद है। ऐसे में आने वाली बाढ़ के दौरान कैसे लोगों को बचाया जाए, इसके लिए आज मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। भैया, आज बाढ़ के दृष्टि पर जो पूर्वाभ्यास हुआ, इसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं स्थायी रूप से, इसके बारे में? देखिए, जनपद मिर्जापुर जो कि बाढ़ के दृष्टि संवेदनशील जनपद माना जाता है, तो उसी के दृष्टि से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश पर आज पूरे जनपद में बाढ़ की दृष्टिगत एक मॉक एक्सरसाइज यहाँ पे की गई है, जिसका सीन ये था कि इसमें जो बाढ़ के दौरान अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसको कैसे बचाया जाए, या अगर कोई डूब गया है तो उसके शव की तलाश कैसे की जाए। इसी के लेकर के SDRF की हमारी टीम और फ्लड PAC की टीम ने अपने पूरे लाइफ सुरक्षा उपकरणों के साथ में पूरा इसको अभियान किया है और सफलतापूर्वक इन लोगों ने अभियान किया। इसी के दृष्टिगत जो हमारी CSC पे कैसी व्यवस्था हो, देख रहे होंगे आप, हमारा जो स्टेजिंग एरिया है यहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगाया गया है और विभिन्न डिपार्टमेंट के जो पुलिस है, फायर है, सभी डिपार्टमेंट के लोग अधिकारीगण भी यहाँ मौजूद हैं और उनके द्वारा भी यह अभ्यास करके दिखाया गया है कि कैसे इस तरीके की आपदा की स्थिति आने को उससे कैसे निपटा जा सके। अस्थायी रूप से यहाँ पे कितने समय के लिए व्यवस्था? नहीं, अस्थायी रूप से आज तो केवल मॉक एक्सरसाइज है कि अगर बाढ़ आने के समय इस तरह की कुछ घटनाएं होती हैं तो उसको हम लोग कैसे उसके साथ निपटेंगे, उसी की दृष्टि है। अब मुरादाबाद में एक फैशन इंस्टीट्यूशन चलाने वाले महिला संचालक पर धर्मांतरण कराने की साजिश में शामिल होने के गंभीर आरोप है। इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाली दो महिलाओं ने ये आरोप लगाए थे। दोनों हिंदू छात्राओं ने सोमवार को DM कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत दी थी। छात्राओं का कहना था कि लैक्मे एकेडमी के डायरेक्टर उन पर मुस्लिम युवकों से दोस्ती करने का प्रेशर बनाती है। वो कहती है कि मुस्लिम लड़कों से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी पहले हिंदू थी और मैंने एक मुसलमान से शादी की, अब मैं हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बन चुकी हूँ और मुस्लिम परिवार में आज बहुत खुश हूँ। ये थाना सिविल लाइन्स पर 23 जुलाई को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें यहाँ कांट रोड पर एक लैक्मे एकेडमी, इमरान थोड़ी नीचे करो, जिसके कुछ जो ट्रेनीज हैं उन्होंने ये शिकायत की जिलाधिकारी महोदय के यहाँ कि उनके यहाँ उस सेंटर पर कुछ गलत प्रकार की गतिविधियाँ संचालित हैं
और इसके अतिरिक्त उनको गलत तरीके से प्रलोभित करके और प्रेरित करके धर्म परिवर्तन के लिए उनको कहा जाता है और अन्य प्रकार से भी उनके संग भेदभाव किया जाता है। इस संबंध में थाना सिविल लाइंस पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। ये जो BNS हमारा कानून है उसके 299, 351(2) और 318(1) इन धाराओं के अंतर्गत ये अभियोग पंजीकृत हुआ। इसमें जो वादियां हैं वो तानिया चौधरी, ये गजरौला की रहने वाली हैं, उनके द्वारा ये अभियोग पंजीकृत कराया गया था। और इसमें उसकी जो लैक्मे एकेडमी की संचालिका, इनका नाम रक्षंदा खान है, और उनके पति शाहनवाज खान, उनके विरुद्ध ये अभियोग पंजीकृत हुआ। इसमें जब गहराई से इसकी जानकारी की गई तो जो अन्य जो और उसके साथी थे वादिया के, उनसे भी इसमें पूछताछ की गई तो उन्होंने भी उसी की बात को तस्दीक किया। उन्होंने कहा कि हाँ, इस प्रकार की गतिविधियाँ जिसमें इनको वहाँ पर लोभ लालच दिया जाता है और धर्म परिवर्तन के लिए इनको कहा जाता है। इसी क्रम में जो इसमें मुख्य आरोपी रक्षंदा खान है, जिनका पूर्व का नाम सपना उर्फ मणि वर्मा है, उनकी और उनके पति शाहनवाज खान, ये दोनों मूल रूप से साकेत नगर, किदवई नगर, कानपुर के रहने वाले हैं। वर्तमान में ये स्टार पैसिफिक सोसाइटी में या एक फ्लैट में किराए पर रहते हैं। वहाँ से इन दोनों अभियुक्त शाहनवाज और रक्षंदा खान, इनकी गिरफ्तारी हुई है और जो भी आरोप लगाए गए थे उसके संबंध में इनसे पूछताछ की गई है। इनके द्वारा कहा गया है कि अपनी सफाई ये न्यायालय में देंगे और जो शेष अन्य इनके साथी हैं उनसे भी अभी इसमें और गहराई से पूछताछ की जाएगी। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे आरोप भी लगाए गए थे कि इनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी नकली तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी भी सैंपलिंग कराई जाएगी। तो इस प्रकार इनके द्वारा जो भी गतिविधियाँ वहाँ की जा रही थी उस संबंध में आज गिरफ्तारी हुई है और इनको आगे कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। सर, इससे पूर्व में भी इस लैक्मे एकेडमी पर एक प्रकरण हुआ था? एक पूर्व में भी इस प्रकार की एक शिकायत पिछले वर्ष संज्ञान में आई थी, लेकिन उस समय उसमें जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं कराया था। पुनः आज इस बार शिकायत हुई थी, इस पर यह अभियोग पंजीकृत हुआ है। और इसमें खबर ओरिया जनपद से है, जहां ककोर मुख्यालय स्थित AIDO कार्यालय पर जिलाधिकारी ओरिया डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने पुलिस अधीक्षक ओरिया के साथ अचानक से छापेमारी की। छापेमारी होते देख कार्यालय में अंदर वे बाहर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। इस बीच मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में RTO विभाग से संबंधित दस्तावेज, लैपटॉप, इन्वर्टर व मोटरसाइकिल, स्कूटी बरामद की है। साथ ही 5 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। जो प्रशासन में पारदर्शिता और जो सुचारू रूप से लोगों को सर्विसेज देने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, उसमें स्पष्ट है कि हर ऑफिसेस को सुचितापूर्ण तरीके से काम हो, किसी प्रकार के वहाँ दलाल और मिडिलमैन्स न दिखें। इस क्रम में आज कप्तान साहब के साथ AIDO ऑफिस के बाहर हम लोगों ने रेड की थी, जिसमें 5 जो दलाल हैं वो पकड़े गए और कुछ लोग भाग गए, 7-8 लोग तो देखते ही भाग गए। 9 बाइक्स मिली, ढेर सारे वहाँ प्रिंटर, लैपटॉप और ढेर सारे कागजात मिले हैं। तो वो सभी संबंधित को जो अरेस्ट हुए हैं उनको FIR दर्ज की जा रही है, जेल भेजा जा रहा है। जो लोग बेसिक और इसमें सक्रिय थे, दलाल और जो मिडिलमैन हैं, उनके खिलाफ भी जाँच की करके कार्रवाई की जा रही है और जो जिनकी संलिप्तता है उनके संबंध में। फिलहाल के लिए उत्तर भारत में मेसा बस इतना ही। अब बने AN News के साथ। नमस्कार।